जय हिंद, जय हिंदी। हंस वाहिनी क्लास से अयोध्या महावा मसूदा मोती नगर में मैं रामशंकर दुबे सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, यदि आप हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास सिक्स की संस्कृत जो यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की पुस्तक है को पढ़ने का प्रयास करेंगे। काका, काका मीन्स कौवा। एका काका, एक कौवा। तृषा पीड़िता, तृषा मीन्स प्यास से, पीड़िता मीन्स व्याकुल था। एक कौवा प्यास से व्याकुल था। जलम नालभत, जलम मीन्स पानी को, नालभत नहीं देखा, दूरे दूरे दूर दूर तक, दूर दूर तक उसने पानी को नहीं देखा। वृक्षाद वृक्षम, वृक्षाद पेड़ से, वृक्षम पेड़ तक। गता गया, वराका बेचारा, बेचारा पेड़ से दूसरे पेड़ तक गया। ग्रामे ग्रामे, गांव गांव गया। नगरे नगरे, नगर नगर गया। एकम सहसा घटम, एकम मीस एक, सहसम मीस अचानक, घटम मीस घड़े को, दृष्टवान देखा, अचानक एक घड़े को देखा। घटे घड़े में जलम, दृष्टम पानी को देखा, बहुत दूरे बहुत दूर देखा, कम देखा। घड़े में पानी को बहुत दूर देखा, बहुत कम देखा। खंडम खंडम पाषाणानाम, खंडम खंडम छोटे छोटे टुकड़े, पाषाणानाम पाषाणानाम पत्थरों का छोटा छोटा टुकड़ा। क्षिप्तमान डाल दिया काका कौवा, जल मध्य पानी के बीच में कौवे ने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिया। धट कंठम घड़े के कंठ तक, संप्राप्तम नीरम नीरम, संप्राप्तम आ गया, नीर पानी घड़े के कंठ तक आ गया। पीत्वा पी धातु में कत्वा लगा है, कत्वा मीन्स करके, पी करके पानी को, संतुष्टा संतुष्ट हो गया। खलुका का, वो बेचारा कौवा पानी को पी करके संतुष्ट हो गया। बुद्धिपूर्वकम, बुद्धिपूर्वक यत्नम कुरते, यत्न प्रयत्न प्रयास करके, कुरते मीन्स करके। बदना कहो न सफलता, लभते काका कहो न कि सफलता, किसने किसने नहीं प्राप्त किया। बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करके कहो न कि किसने किसने सफलता नहीं प्राप्त की। बच्चों, पढ़ाना समझ में आया है? और अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके हंस वाहिनी परिवार का सदस्य बने, इससे हमें गर्व महसूस होगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा। बच्चों के लिए हमारा संदेश, संसार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सको सीख लो, उत्तम है। अपनी मातृभाषा हिंदी सर्वोत्तम है, इसलिए हिंदी का आदर करें, इसका अनादर न होने दें। अपने दैनिक कार्यों को हिंदी में ही करें, क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे सभी छात्र और हमारे सभी फॉलोअर हमारे साथ बोलेंगे, जय हिंद जय हिंदी।